जानी मानी समाज सेविका राधिका चिमा बनी हरियाणा राज्य ताइक्वांडो संघ की चेयरपर्सन। आपको बता दें कि हर जिले में अब लड़कियों के लिए निशुल्क सेल्फ डिफेंस केंद्र खोले जाएंगे। हरियाणा राज्य ताइक्वांडो संघ रजिस्टर की बैठक में ये फैसला लिया गया है। चेयरपर्सन बनते ही उन्होंने सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अम्बाला से की जाएगी और उसके बाद अम्बाला कैंट शाहबाद कुरुक्षेत्र से होते हुए पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया जाएगा। उन्होंने सभी लड़कियों के माता पिता को संदेश दिया कि वे अपनी बच्चियों के सपने को पूरा करने में उनका सहयोग करें। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य ताइक्वांडो संघ रजिस्टर की बैठक अम्बाला छावनी के निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ का नया चेयरमैन चुनना था, जिसमें सर्वसम्मति से दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशिका राधिका चीमा को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। चीमा ने नियुक्ति के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने आभार भी प्रकट किया और उन पर विश्वास जताने के लिए सबका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे सर्वप्रथम नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के हर जिले में लड़कियों के लिए निशुल्क सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर खोलने का कार्य करेंगी। वे संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अम्बाला से की जाएगी और उसके बाद अम्बाला कैंट शाहबाद कुरुक्षेत्र से होते हुए पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया जाएगा। उन्होंने हरियाणा के लोगों को संदेश दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, वो किसी भी पोस्ट पर जा सकती हैं। उन्होंने सभी लड़कियों के माता पिता से आग्रह किया कि वे अपनी बच्चियों के सपने को पूरा करने में सहयोग दें। वो अपनी बच्चियों को घर से बाहर आने दें। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में आगे आए, वो स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकती हैं। जो उनका मन हो वो उन्हें करने देना चाहिए। कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे चुना गया है। मुझे बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि मुझ पे इतना विश्वास रखा गया। और सबसे पहला काम तो मैं यही कहूँगी कि जैसे ये मार्शल आर्ट का स्पोर्ट आर्ट है, तो कि महिलाएं जो हैं सेल्फ डिफेंस सीखें। पूरे हरियाणा की गर्ल्स हैं, जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। और पहला हमारा कार्यक्रम यही रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को हम अम्बाला से शुरुआत करेंगे। अम्बाला से हो तो फिर अम्बाला कैंट, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पानीपत करते हम पूरे हरियाणा को कवर करेंगे, ताकि जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देखो, हरियाणा के लोगों को मैं यही मैसेज दूंगी कि जो महिलाएं हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, हर पोस्ट पे जा सकती हैं। बस मैं सभी के महिलाओं के माता पिता को ये आग्रह, मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बच्चियों को, उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग दें, उनको घर से बाहर जाने की अनुमति दें। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में आगे आ सकती हैं, कि वो स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं। उनका जो मन है उनको वो करने दें। देखिए, मैं मतलब कि बिज़नेस के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मैं समाज में हमेशा अपना टाइम देती हूँ। कल परसों भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में मतलब कि 100 बच्चों को कॉपीज़ और चॉकलेट्स देके आई हूँ। जहाँ पर हम अम्बाला में बॉर्न हुए हैं और अम्बाला से ही उठे हैं, तो मैं अम्बाला के लिए, अपने हरियाणा के लिए हमेशा ही तैयार हूँ। मेरा ये सिद्धांत है कि 70 वर्ष के बाद हर आदमी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो नवे बच्चे हैं, यंग एस्पिरेंट है, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। और मैं ये बहुत ज़्यादा आशा भी करता हूँ कि जो मैं अभी तक रोल हरियाणा ताइक्वांडो एसोसिएशन में करता आ रहा था, अब ये राधिका जी उस रोल को मेरे से भी बेहतर निभाएंगी। और ये हमारे साथ भी एसोसिएट है, आपको मालूम है कि योगा फेडरेशन में भी ये हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है, और अच्छा इनका हमारे पास साथ रहता है, गाइडेंस भी रहती है। और डेफिनेटली ये गिल साहब के साथ भी हरियाणा में बहुत अच्छा काम करेंगी। नहीं, उससे मेरा कोई लिंक नहीं।